नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द खबरदार न्यूज पर। आज हम बात करेंगे त्योंथर की राजनीति पर। त्योंथर की राजनीति में सिद्धार्थ का दबदबा। 2023 विधानसभा चुनाव की धमा चौकड़ी ने सभी राजनीतिक जानकारों को चौंकाने का काम किया है। बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी त्योंथर सहित बिंध की राजनीति को लेकर आश्चर्यचकित हैं। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे सिद्धार्थ पर हावी होना शुरू हो गई है। आइए विस्तार से समझते हैं। त्योंथर में भाजपा पार्टी ने सिद्धार्थ तिवारी राज को अपना प्रत्याशी घोषित कर पार्टी सहित अन्य दलों को भी चौंका दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा भीतरघात को शायद संभाल नहीं पाएगी। वर्तमान विधायक और टिकटार्थी नेता पार्टी से बागी होकर चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं, और जनता के सुर भी पार्टी विरोध में लतीफे सुना रहे थे। और हो भी क्यों ना, बाहरी प्रत्याशी की छाप लिए सिद्धार्थ को बीजेपी की सदस्यता लेते ही त्योंथर की कमान संभालने का मौका देना पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं की समझ से बाहर था। जैसे ही सिद्धार्थ बीजेपी में आए, बीजेपी कार्यकर्ताओं और वर्तमान विधायक नेता सहित कई लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने तक की धमकी भरे लफ्जों में आवेदन पत्र जनसंपर्क मंत्री तक पहुंचाए। कई सभाएं हुई जिसमें विरोधी स्वरों को नई दिशा दी गई। कई लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि त्योंथर से कई बीजेपी के नेता निर्दलीय प्रत्याशी या किसी अन्य राजनीतिक दलों से प्रत्याशी बनकर सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए देवेंद्र सिंह ने बहुजन समाज पार्टी को चुना और प्रत्याशी भी बने। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वर्तमान विधायक त्योंथर के स्वर धीरे धीरे सिद्धार्थ के पक्ष में जाने लगे और वो कार्यकर्ताओं से पार्टी के निर्णय को स्वीकार करने की बात कहते सुनते देखे जाने लगे। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं ने भी सिद्धार्थ को अपनाना शुरू कर लिया। पर अभी तक पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी के पुत्र तिवारी लाल जी विरोधी स्वरों को ही पार्टी के निर्णय पर सवाल उठाते रहे, जिसको लेकर असमंजस की स्थिति जस की तस बनी रही। बीते दिनांक को जिला अध्यक्ष अजय सिंह और वर्तमान सांसद विधायक के नेतृत्व में गढ़ी, त्योंथर और रायपुर तीनों मंडलों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मंचासीन पदाधिकारियों ने सिद्धार्थ तिवारी की जमकर तारीफ और आने वाले चुनाव में सभी को एक होकर विरोधी दलों को हराने की बात कही। और खुद श्यामलाल द्विवेदी जी ने सिद्धार्थ के महिमा मंडन में अपनी गायकी अंदाज में कुछ लाइन भी गाई। सिद्धार्थ ने खुद कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं परिवार में नया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर यकीन मानिए मैं सीखता और समझता बहुत तेजी से हूं। जितना सम्मान मुझे इस एक सप्ताह में बीजेपी से मिला है, उतना मेरे परिवार द्वारा 50 साल कांग्रेस की सेवा करने में भी नहीं मिला। उनके इन विचारों का समर्थन सांसद जी ने खूब किया और कहा कि सिद्धार्थ को लेकर जो असमंजस है कार्यकर्ताओं के मन में, वो लाजमी है। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता की मानहानि सिद्धार्थ द्वारा यदि की जाती है तो इसका जिम्मेवार मैं खुद को मानूंगा। आप लोग पार्टी की निष्ठा से मदद करें और भाजपा को जीत दिलाने का काम करें। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे, खासकर वो जो तिवारी लाल के समीपस्थ हैं, जिससे आगे की तस्वीर साफ नहीं थी। लेकिन बीती रात राजेंद्र शुक्ला जी का तिवारी लाल के आवास चाक घाट पहुंचकर घंटों परिवार के लोगों को समझाइश देना पार्टी के डैमेज कंट्रोल का नजरिया उजागर करता है। तिवारी लाल के समर्थकों को संबोधित करते हुए राजेंद्र शुक्ला जी ने सिद्धार्थ के सामने ही यह कहा कि तिवारी लाल और उनके समर्थकों का सम्मान उसी तरह होता रहेगा जिस तरह होना चाहिए। मुझे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है और कहा है कि आप लोगों को संतुष्ट करिए कि अगर सिद्धार्थ तिवारी कोई गलती करते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ।
राजन शुक्ला की इस मीटिंग का परिणाम कितना सार्थक है यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन तिवारी लाल और उनके समर्थकों को राजन शुक्ला के समझाइश देने के लहजे से यह स्पष्ट होता है कि अब तिवारी लाल भी मैदान में नहीं आएंगे। उन्हें भी मनाने में पार्टी सफल रही। कुछ जानकारों की माने तो लोगों का कहना है कि पार्टी ने समझाने के साथ साथ इन सभी लोगों पर दबाव भी बनाया, क्योंकि यह कहावत आम है, भय बिन होत न प्रीत। एक तरफ जहां भाजपा अपने ही उठापोह को संभालने में व्यस्त है, वहीं अन्य दलों के प्रत्याशी जनता के बीच जोर तोर से प्रचार प्रसार में मस्त हैं। भाजपा और सिद्धार्थ के सामने सबसे बड़ी समस्या बनकर पार्टी से जुड़े लोग ही खड़े हुए हैं। सिद्धार्थ के लिए अपने निजी कार्यकर्ता जो अभी भी कांग्रेस की सदस्यता में हैं और कार्य भाजपा के लिए कर रहे हैं और जो पहले से भाजपेई हैं, उनमें सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा है। और सिद्धार्थ इस समस्या का यदि जल्द से जल्द कोई असरदार इलाज नहीं ढूंढते तो स्थितियां निसंदेह गंभीर हो सकती हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो समय तय करेगा और तय करेगी त्योथर की जनता। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी से हटकर देवेंद्र सिंह का बहुजन में जाना, सिद्धार्थ तिवारी का भाजपा में आना और कांग्रेस का तीसरी बार भी रमाशंकर पटेल पर ही भरोसा जताना कितना सही या गलत है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें और आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें द खबरदार चैनल से।